गाइज वेलकम टू माई चैनल एंड वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो. सो आज की वीडियो है करवा चौथ स्पेशल मेकअप लुक पे. फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी करवा चौथ टू एवरीवन. अगर मैं आज डाल रही हूँ मैं भी कल डालूंगी क्योंकि टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का. बट आई रियली वॉन्टेड टू मेकअप वीडियो. सो मैंने रेड सूट के साथ मेकअप वीडियो बनाई है क्योंकि मोस्ट ऑफ द वुमेन्स करवा चौथ पर रेड ही पहनना पसंद करती हैं. तो दिस इज़ द मेकअप लुक, लाइक अ सिंपल सोबर मेकअप लुक, डे लुक काइंड ऑफ मैंने क्रिएट किया है. एंड आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप. इफ यू like it then please share, subscribe to my channel and also press the bell icon so that you don't miss out any notifications. So jyada time nahi leti, let's start the video. apne baalon ko piche kar lete hain. So baalon ko piche karne ke baad hum apna makeup start karenge. sabse pehle yahan pe main good vibes ka rose hip serum le rahi hu. mera all time favorite hai. isko acche se main apne face pe massage kar lungi क्योंकि ये डे लुक है. सो आपको मेक श्योर करना है कि आपका मतलब स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज है. यहाँ पे मैं विशुअल की ये क्रीम ले रही हूँ. इस ये बहुत अच्छी है, लेवेंडर वाली है. इसको भी अच्छे से मसाज कर लेंगे. उसके बाद मैं यहाँ पे ऑयल लगाऊंगी, स्किन ऑयल जो कि है नायका का. इसे भी अच्छे से प्रेस कर लेंगे अपनी स्किन में, जस्ट लाइक दैट. उसके बाद यहाँ पे बारी आती है प्राइमर की. सो प्राइमर के लिए आई एम यूजिंग स्मैश बॉक्स फोटो फिनिश प्राइमर. इसे भी अच्छे से अपने टी जोन में लगा लेंगे क्योंकि अगेन हम मेकअप तो कर ही रहे हैं, चाहे थोड़ा कर रहे हैं चाहे ज़्यादा कर रहे हैं, प्राइमर इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट. सो अच्छे से इसे प्रेस कर लेंगे. उसके बाद फाउंडेशन की बात आती है. तो मैं फाउंडेशन हुडा ब्यूटी की ही यूज़ कर रही हूँ इन द शेड माकियाटो. सो इसे भी मैं ब्रश के साथ लगा लूँगी ताकि ब्रश के साथ जब भी हम लगाते हैं तो वो मेक श्योर करता है कि वो स्टे करे क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर से तो आपका एक्सेस भी मतलब रिमूव हो जाता है. बट ब्रश के साथ मैं यहाँ पे लगा रही हूँ ताकि मुझे अच्छी कवरेज मिले. उसके बाद मैं अपनी ब्राउज़ को फिलअप करूँगी एल्फ के ब्राउ किट से, जस्ट नॉर्मल, कोई ड्रामेटिक लुक नहीं. आगे का पार्ट मेक श्योर कि आप आगे के पार्ट को अच्छे से स्पूली से मिक्सअप कर लो. उसके बाद बारी आती है कंसीलर की. तो कंसीलर के लिए मैं ऑल टाइम फेवरेट अपना वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस कंसीलर यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे इन द शेड मीडियम. सो अपनी आईब्रोज को भी हाईलाइट कर लेंगे, उसके आसपास भी लगा लेंगे, अराउंड द माउथ, अंडर द आईज, अच्छे से इसे ब्लेंड कर लेंगे उसी सेम फाउंडेशन ब्रश के साथ, जस्ट लाइक दैट. ये बहुत ही ज़्यादा क्रीमी है और बहुत ही ईजी टू ब्लेंड है. सो यू कैन सी यहाँ पे मेरा सब कुछ ब्लेंड हो गया है. यहाँ पे बारी आती है मेरा मार्सल का पाउडर. सो मैं अपनी अंडर आइज को सेट करूँगी. सेट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप फाउंडेशन या कंसीलर लगाते हो ताकि आपकी अंडर आइज में क्रीजेज ना बने. तो अच्छे से फटाफट से सेट कर लो. अगर आपको लग रहा है कि क्रीजेज बन के तो पहले क्रीज को रिमूव करके फिर सेट करना, अदरवाइज पाउडर भी आपका क्रीज में ही सेट हो जाएगा. सो जो भी बचा उससे मैं पूरा फेस अपना सेट कर लूँगी. यहाँ पे मैं स्विस ब्यूटी की ये ब्लश एंड हाईलाइट पैलेट ले रही हूँ. इसमें मैं ब्लशर लगाऊँगी, वो तीन ब्लशर लेके. बहुत ही अच्छा पैलेट है ये अगर किसी को अफोर्डेबल रेंज में लेना. तो अपवर्ड डायरेक्शन में ही हम ब्लश को लगाते हैं. उसके बाद यहीं से मैं हाईलाइट शेड लेके ये वाला मैं अपनी नोज़ को हाईलाइट कर लूँगी अच्छे से, क्यूपिड्स बो, चिन एंड अपनी चीक्स पे, जस्ट लाइक दैट. बिल्कुल सटल ही रखना है क्योंकि ये डे लुक है. तो हम मेक श्योर करेंगे कि हम बहुत सोबर और सटल मेकअप करें ताकि हम पूरी पूरा दिन इसमें कंफर्टेबल रहें. यहीं इसी शेड को लेके मैं अपनी आईज़ के आसपास लगा लूँगी, छोटा सा उसे क्रीज का इफेक्ट दूंगी क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं करना चाहती. बट हाँ, कुछ लगना भी चाहिए कि कुछ किया हुआ है. तो मैं जस्ट ऐसे कट क्रीज सा ऐसे बना रही हूँ, जस्ट दैट. उसके बाद मैं यहाँ पे अपना लोरियल का ये डार्क वाला पाउडर लेके इससे मैं अपना ब्रॉन्ज अप कर लूँगी फेस. ये बहुत ही ईजी टू वर्क है क्योंकि ये पाउडर है, ये एक्चुअल ब्रॉन्जर नहीं है, ये पाउडर है. तो इससे बहुत अच्छा आपका ब्रॉन्जर का काम हो जाता है. तो इसे मैं अपनी यूजुअल एरियाज पे लगा लूँगी. उसके बाद मैं यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का ये शाइनी वाला मेकअप सेटिंग स्प्रे ले रही हूँ. अपने सारे मेकअप को सेट कर लूँगी अब मैं. उसके बाद
मैं यहाँ पे लेडी मिलियन का ये मुझे फ्री मिला था, दिस इज़ अ सैम्पल, सो मैंने इसे अपने कान के पीछे लगा लिया, बहुत अच्छा ये है, लेडी मिलियन फैबुलस। उसके बाद मैं यहाँ पे के ब्यूटी का लाइनर ले रही हूँ ग्रे वाला, और मैं यहाँ पे एक विंग आई लाइनर ड्रॉ करूँगी जस्ट लाइक दैट, जो कि मेरा क्लासिक लुक है आई लाइनर वाला। सो आई लाइनर लगा लेंगे, एकदम पतला सा आई लाइनर लगाऊँगी मैं, ज़्यादा कोई ज़्यादा मोटा नहीं, जो भी मैं नॉर्मल सा लगाती हूँ जस्ट लाइक दैट। उसके बाद मैं यहाँ पे लोरियल का मस्कारा ले रही हूँ। पहले तो हम इसकी प्राइमर साइड से अपनी आई लैशेज को प्राइम कर लेंगे। अगर हम प्राइम करते हैं तो अगर आप उस पर ब्लैक वाला मस्कारा लगाओगे ना तो बहुत ही उभर के आता है कलर। सो मैं मस्कारा लगा लूँगी, यू कैन सी मेरी लैशेज बिल्कुल ज़्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि डे लुक का तो हम फॉल्सेज नहीं लगाएंगे। तो अभी मैंने थोड़ा सा अपनी अंडर आई में थोड़ा सा काजल भी लगाया। उसके बाद मैं यहाँ पे लोरियल की ये लिपस्टिक ले रही हूँ, ये रेड सी, कोई भी आप रेड लिपस्टिक लगा सकते हो, मैंने सिर्फ अपने आउटफिट के साथ मैचिंग एक लिपस्टिक लगा ली है। सो जस्ट लाइक दैट अच्छे से अपने लिप्स को फिल कर लेंगे, एंड या ये हमारा ऑलमोस्ट लुक कंप्लीट होता है, डे लुक। उसके बाद यहाँ पे मैं बिंदी लगा रही हूँ, ओह माय गॉड हाथ पे चिपक गई थी, ये बिंदी के बिना तो कोई लुक कंप्लीट नहीं है ना, लव बिंदी। ये बिंदी मैंने रेड नहीं लगाई, थोड़ी सी कंट्रास्ट में लगाई है, मैंने नेल्स खुद किए थे अपने एक्रिलिक नेल्स, जो कि मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे अपने एयरिंग्स डालूंगी, अगेन कंट्रास्ट में एयरिंग्स डालूंगी ताकि वो थोड़ा उभर के आएँ और मैचिंग के मतलब कि मेरी आउटफिट के साथ मैच ना हो जाएँ, क्योंकि सारी रेड है। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो जाने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, आई एम नॉट रेगुलर बट आई ट्राई टू बी बिकॉज आई वर्क फुल टाइम, नहीं मिलता टाइम बनाने का वीडियो बट आई ट्राई समटाइम्स, एनी वेज बाकी की बातें बाद में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय।